हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक और पावरफुल मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये है मिलिट्री रोड लेइंग मशीन। ये मशीन एक चलती फिरती टेम्परेरी रोड बनाने की मशीन है। मिलिट्री में कई बार ऐसा होता है कि सेना को जंगलों के मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और वहाँ सड़कें भी नहीं होती है। ऐसे में वहाँ से मिलिट्री के भारी व्हीकल्स को गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस्तेमाल किया जाता है इन टेम्परेरी रोड लेइंग मशीन्स का। ये मशीन कुछ ही मिनट्स में एक टेम्परेरी रोड को ज़मीन पर बिछा देती है, जिसके बाद मिलिट्री के भारी से भारी व्हीकल को भी आसानी से इस पर से गुजारा जा सकता है। और इन टेम्परेरी रोड लेइंग मशीन्स का इस्तेमाल समुद्री जहाजों से डायरेक्टली बीच पर व्हीकल्स को उतारने के लिए भी किया जाता है। यह है जिनेसिस XT। ये एक मेटल शेयरिंग मशीन है, जिसका इस्तेमाल खराब हो चुके लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि इनका फिर से रिसाइकल किया जा सके। इस मशीन में एक पावरफुल जो लगा है, जिसकी हाइड्रोलिक पावर हैवी से हैवी मेटल को आसानी से काटकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। और इस मशीन की मदद से वेस्ट हो चुके हैवी व्हीकल्स को भी रिसाइकल करने के लिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आसानी से स्क्रैप में बदला जा सकता है। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्टिंग। ये भी एक काफ़ी पावरफुल मशीन है, जिसका इस्तेमाल लोहे की चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें स्टील की एक बड़ी सर्कुलर प्लेट लगी होती है, जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देकर एक हाई पावर मैग्नेट में बदल दिया जाता है। जब इस मशीन के जरिए लोहे को उठाना होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगती है। और जब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हटा लिया जाता है, तो ये लोहे को छोड़ देती है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर लोहे के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को उठाने में किया जाता है। यह है एंटीगो। ये एक बजर ब्रेकिंग मशीन है। इसका इस्तेमाल सड़कों के मेंटेनेंस के समय उन्हें तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में पीछे की तरफ एक हैमर लगा है, जो कि बार बार सड़क पर स्ट्राइक करता है। इसके हैमर का वजन 6 टन है और इस हैमर को 5 से 9 फीट की हाइट से ड्रॉप किया जाता है, जिस वजह से सड़क एक झटके में ही एक बार में पूरी तरह से टूट जाती है। और सड़क तोड़ने की इस प्रोसेस में कंक्रीट ज़्यादा ना उछले, इसलिए इसके हैमर को चारों तरफ से छोटी छोटी चेन से कवर किया गया है। यह है रॉक क्रशर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पत्थरों को क्रश करने के लिए किया जाता है। पत्थरों को क्रश करने के लिए उन्हें इस मशीन के कंटेनर में लगातार डाला जाता है, और इसमें घूमता हुआ क्रशिंग रोलर इन पत्थरों को धीरे धीरे क्रश करते जाता है। इसके रोलर पर लोहे के नुकीले टीथ लगे होते हैं, जिससे पत्थर कटकर लगातार टूटते रहते हैं और नीचे इकट्ठा होते रहते हैं। यह है वुड चिपर। इस मशीन का इस्तेमाल लकड़ियों को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में क्रश करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक कन्वेयर प्लेटफॉर्म लगा होता है, जिस पर एक क्रेन होल्डर की मदद से लगातार लकड़ियों को इस पर रखा जाता है, और फिर इस मशीन में लगा क्रशिंग रोलर इन लकड़ियों को अंदर खींचते हुए उन्हें लगातार क्रश करते जाता है। और क्रश की हुई लकड़ियों को ये मशीन एक एयर पंप के जरिए दूर इकट्ठा करते जाती है। और ये मशीन इतनी पावरफुल है कि महज कुछ ही घंटों में ये कई टन लकड़ी को वुड चिपर में कन्वर्ट कर देती है। इन वुड चिपर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर बनाने में और गार्डन्स में लैंड को फर्टाइल करने के लिए एज ए कंपोस्ट इस्तेमाल किया जाता है। यह है बैगर 228। ये एक बकेट व्हील एक्सकवेटर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सरफेस माइनिंग मशीन है। इसमें लगा बकेट व्हील लगातार घूमते हुए माइनिंग करते जाता है। इसके रोटेटिंग व्हील का डायामीटर 21 मीटर है और इसमें 18 बकेट लगाए गए हैं, और इसमें लगे हर एक बकेट की कैपेसिटी 7 टन है। इसी वजह से ये मशीन कई मेट्रिक टन कोल महज कुछ ही घंटों में माइनिंग कर देती है। इस मशीन द्वारा माइन किए गए कोल को एक बहुत लंबे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू लगातार आगे चलने दिया जाता है, और फिर इस कोल को वहां से ट्रकों में भरकर आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यह है कार श्रेडिंग। ये एक बहुत ही कमाल की मशीन है। ये मशीन देखते ही देखते गाड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड कर देती है। इस मशीन में 2 पावरफुल श्रेडिंग रोलर लगे हैं, जो कि गाड़ियों को लगातार अंदर खींचते हुए उन्हें श्रेड करते जाते हैं, और फिर इन श्रेड किए हुए टुकड़ों को एक अलग कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इकट्ठा कर लिया जाता है। दरअसल कबाड़ में पड़ी वेस्ट गाड़ियों को रिसाइकल करने के लिए इन श्रेडिंग मशीन द्वारा उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड किया जाता है। इसके अलावा वेस्ट कारों को रिसाइकल करने के लिए एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कार कंप्रेसिंग कहा जाता है।
इसमें एक हाइड्रोलिक चैम्बर में एक कार की बॉडी को रखकर उसे हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर उसे अपने रियल साइज से 10 गुना तक कंप्रेस कर दिया जाता है। फिर ये कंप्रेस की हुई कार एक छोटे से मेटल बॉक्स की तरह नज़र आती है। ये है PH4100C। ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक रोप सोवेल है। इस सोवेल का इस्तेमाल भी सरफेस माइनिंग के लिए किया जाता है। इसके सोवेल का साइज इतना बड़ा है कि ये एक बार में 100 टन तक कोल को ट्रक में लोड कर सकता है। यह है H20IVC। ये एक स्टोन क्रशिंग रोलर है जिसका इस्तेमाल स्टोन को क्रश करने के लिए किया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन के समय बड़े बड़े पत्थरों को ये मशीन अपने रोलर्स के नीचे दबाकर क्रश करती जाती है। इसके रोलर्स के ऊपर लगे नुकीले टीथ और इसकी खतरनाक वाइब्रेटिंग पावर पत्थरों को काफ़ी आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती जाती है। यह है इम्पैक्ट रोलर। इस तरह के रोड रोलर्स बहुत ही कम लोगों ने देखे होंगे क्योंकि इंडिया में ये बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल भी रोड कंस्ट्रक्शन के समय ही किया जाता है। सड़क पर पत्थर और मिट्टी को डालने के बाद इन पर इन रोलर्स को चलाया जाता है। ये रोलर सड़क पर झटके से एक गहरा इम्पैक्ट डालते हैं जिससे कि सरफेस पूरी तरह से सॉलिड हो जाती है। ये रोलर 5-साइडेड और 3-साइडेड दोनों ही तरह के व्हील्स में आते हैं। बताया जाता है कि इन रोलर्स के इस्तेमाल से बनी सड़कों के जमीन में धंसने की समस्याएं काफ़ी कम देखी जाती है। ये है कोबेको डिमोलिशन। ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग डिस्ट्रॉयर क्रेन है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। इस क्रेन में कुछ अलग अलग तरह के अटैचमेंट भी मिल जाते हैं जिन्हें अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रेन की हाइट 213 मीटर है, यानी कि इसके जरिए 20 से 25 मंजिला इमारत को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इस क्रेन के अटैचमेंट के जस्ट पहले एक कैमरा भी लगा है। इसी वजह से इसका ऑपरेटर इतनी दूरी से केबिन में बैठे हुए भी इसे इतनी आसानी से ऑपरेट कर पाता है। ये है CDC कॉम्पैक्शन। ये एक सरफेस कॉम्पैक्शन मशीन है जिसका इस्तेमाल किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन से पहले वहाँ की ज़मीन को सॉलिड बनाने के लिए किया जाता है ताकि वहाँ होने वाले कंस्ट्रक्शन को एक मजबूत बेस मिल सके। इस मशीन के सर्कुलर बेस को ज़मीन पर रखकर इस पर हैमर से बार बार स्ट्राइक किया जाता है। इस पर लगे हैमर का इम्पैक्ट 16 टन के बराबर होता है और ये हैमर 40 से 80 स्ट्रोक पर मिनट ज़मीन पर मार सकता है। इसके हैमर के स्ट्रोक के वाइब्रेशन की वजह से मिट्टी के पार्टिकल आपस में मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं जिससे वहाँ की सरफेस काफ़ी मजबूत हो जाती है। इस तरह से तैयार की गई सरफेस कंस्ट्रक्शन के लिए एक आइडियल सरफेस मानी जाती है। ये है चेनिंग ब्रश। इस एडवांस टेक्निक की मदद से जंगल के एक बड़े हिस्से का सफाया काफ़ी कम समय में किया जा सकता है। इसमें पेड़ों को काटने के लिए लोहे की एक मोटी चेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चेन को दो हैवी व्हीकल्स के बीच में बांध दिया जाता है और फिर इन दोनों व्हीकल्स को पेड़ों को दोनों तरफ से कवर करते हुए चलाया जाता है। जैसे ही ये व्हीकल आगे बढ़ते जाते हैं तो इनके बीच में आने वाले सारे पेड़ इसकी चेन में फंसकर गिरते जाते हैं। जहाँ जहाँ से इसकी चेन गुजरती है वहाँ से हर छोटा बड़ा पेड़ पूरी तरह से जड़ से अलग हो जाता है। इस तरह की एडवांस मशीनों से जंगलों का सफाया काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। यह है चेन ट्रेंचर। इस मशीन के जरिए ज़मीन में एक सीधी लाइन में खुदाई की जाती है। ये मशीन 15 फीट गहरी और 5 फीट चौड़ी लाइन ज़मीन में खोद सकती है और ये मशीन खोदी गई मिट्टी को एक पंप के जरिए साइड में इकट्ठा भी करती जाती है। इस मशीन का इस्तेमाल सीवेज, गैस, ऑयल और वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने में किया जाता है। इस कंपनी द्वारा एक और मशीन बनाई गई है जिसे डिस्क ट्रेंचर कहा जाता है। ये मशीन कंक्रीट जैसी सॉलिड सरफेस पर या फिर सड़क पर भी 1 मीटर गहरी और 1 फीट चौड़ी लाइन में खुदाई कर सकती है। इस डिस्क ट्रेंचर का इस्तेमाल ऑप्टिक फाइबर केबल को ज़मीन में अंडरग्राउंड करने के लिए किया जाता है। यह है स्टोन पिकर। यह भी एक कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल मिट्टी में से स्टोन्स को अलग करने के लिए किया जाता है। जिस भी जगह से स्टोन्स को पिक करना होता है वहाँ इस मशीन अटैचमेंट को ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। ये मशीन मिट्टी को कंटिन्यू फिल्टर करते जाती है और मिट्टी को वापस ज़मीन पर फेंकती जाती है और स्टोन्स को पिक करके एक कंटेनर में इकट्ठा करती जाती है और फिर कंटेनर के भर जाने के बाद इसके कंटेनर को स्टोन से खाली कर लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।